लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी है इजी वेयर लर्निंग इज फन। और मैं हूं आपकी दोस्त सनीता सरकार। इन माय प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस, जहां पर मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर पेड़ों की संख्या इसी तरह कम होती रही तो इसका प्रभाव हमारे पृथ्वी पर और हमारे एनवायरमेंट पर क्या पड़ सकता है। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो जो पहला इफेक्ट है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, इसको अगर हम सरल भाषा में जानना चाहें तो इसका मतलब है कि पृथ्वी का गर्म हो जाना या हमारा जो क्लाइमेट है उसका गर्म हो जाना। ग्लोबल वार्मिंग कैन बी डिफाइंड एज लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स व्हिच इंक्रीजेस द लेवल ऑफ हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेस। तो आइए जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं। जो पहला गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस गैस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन। इट इज इमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रियल स्मोक। द सेकेंड गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड। थर्ड इज वाटर वेपर। फोर्थ वन इज मीथेन। फिफ्थ वन इज ओजोन। एंड द लास्ट वन इज CFCs, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आइए जानते हैं कि हाउ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। हमको पता है कि जो पेड़ पौधे हैं, वो अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। वो अपने खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से अपना खाना बनाते हैं। अगर किसी एरिया में पेड़ों की संख्या कम हो जाए तो वहां पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ते रहेगा। आइए इसे थोड़ा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें। सपोज ये अर्थ है, और ये हुआ सन। और ये जो डॉटेड लाइन है ये अर्थ का एटमॉस्फेयर डिनोट करता है। तो हम तो जानते हैं कि एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मेजर गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सोचिए कि पृथ्वी पर कोई भी पेड़ बचे नहीं है, तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके जो पेड़ पौधे खाना बना रहे थे वो कर नहीं पाएंगे, तो क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ते ही रहेगा। अब जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होती है इस तरह से, और सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती है तो हीट प्रोड्यूस करती है, और ये हीट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप कर लेता है, क्योंकि इसका ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है दैट कार्बन डाइऑक्साइड कैन ट्रैप हीट। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर इस तरह से हीट को ट्रैप करने लगे तो क्या होगा, जो हीट उत्पन्न होगा सन रेज के आने के कारण से, वो हीट पृथ्वी को छोड़कर बाहर जा नहीं पाएगी, एंड दिस विल लीड टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। ड्यू टू राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर द पोलर आइस कैप्स और द ग्लेशियर्स स्टार्ट्स मेल्टिंग।
सो ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर. Which leads to melting of polar ice caps. जैसे कि अंटार्कटिक रीजन में हो रहा है, क्या हो रहा है, जो आइसबर्ग्स है वो पिघलने लगे हैं. और आप जानते हैं कि जब हम फ्रिज से बर्फ को बाहर निकालते हैं तो वो पिघलने लगते हैं और पानी बन जाते हैं. सिमिलरली अगर पोलर आइस कैप्स पिघलने लगे तो दे विल ऑल्सो बी कन्वर्टेड इन टू वॉटर. अब ये जो पानी है ये कहां पर जाकर मिलेगा, ये मिलेगा सी में. अब सी में अगर ये वॉटर एड होते रहे तब क्या होगा, जो सी वॉटर का लेवल है वो बढ़ जाएगा. Which leads to increase in water level of sea. ये जो upward arrow है ये denote करता है कि जो sea का water level है वो increase हो गया. अब अगर sea का water level increase हो जाएगा तो यहां से flood होने की संभावना बढ़ जाती है. So our next effect of deforestation is फ्लड. रिसेंटली फ्लड आसाम में हो चुका है, मुंबई में हो चुका है, जहां पर क्या होता है, बाढ़ आने से सब कुछ बाढ़ के पानी के साथ बहकर चला जाता है. अभी आप सभी इस पेड़ की तरफ देखें. ये जो पेड़ है इसके दो पार्ट है, जो मिट्टी के नीचे है उसको हम रूट्स बोलते हैं और जो मिट्टी के ऊपर का हरा पोर्शन है उसको हम स्टेम बोलते हैं. अगर आप इस रूट्स को देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये रूट्स मिट्टी को पकड़े हुए हैं. तो इससे हमें पता चलता है कि जो पेड़ है वो मिट्टी को पकड़कर रखने में हमारा हेल्प करता है. अगर किसी एरिया में बिल्कुल भी कोई पेड़ ना रहे तो वहां की मिट्टी लूज हो जाती है, लूज बन जाती है. जैसे कि इस मिट्टी को देखें, यहां पर आपको कोई पेड़ नहीं दिखाई देगा तो यहां की मिट्टी कैसी दिख रही है, लूज दिख रही है. अब जो लूज मिट्टी होती है ये बड़े ही आसानी से पानी के बहाव के साथ या हवा के बहाव के साथ बहकर चली जा सकती है. तो पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर क्या है और बॉटम लेयर क्या है, फिर हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे. द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अ सॉइल इज ऑल्सो नोन एज टॉप फर्टाइल लेयर या फिर ह्यूमस भी कह सकते हैं. और जो बॉटम लेयर है वो पथरीला होता है जहां पर रॉक्स पाए जाते हैं. जो टॉप फर्टाइल लेयर है यहां पर न्यूट्रिएंट्स की भरमार होती है. इसीलिए क्या होते हैं कि पेड़ इसी लेयर पर ग्रो करते हैं. और जो रॉकी एरिया होता है यहां पर आपको बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे. अब सोचिए कि जो सॉइल है वो लूज बन चुका है. अब आंधी आई या बहुत बरसात हुई तो क्या होगा, ये जो टॉप फर्टाइल लेयर है ये बहकर निकल जाएगा. तब आपके पास रह जाएगा सिर्फ ऐसा पथरीला सॉइल लेयर. अब ये जो पथरीला पोर्शन है ये पानी को सोख नहीं कर सकता. अगर कभी बारिश हुई ऐसे एरिया में जहां पर जो मिट्टी का टॉप फर्टाइल लेयर धुलकर चला गया है और ऐसा रॉकी लेयर एक्सपोज हो गया है, तो आप देखें अगर मैं इस लेयर पर पानी डालूंगी तो ये पानी पूरा बहकर निकल जा रहा है. इसमें थोड़ा सा भी सोक करने की क्षमता नहीं है. पर अगर किसी एरिया में मिट्टी है और पेड़ है तो देखिए मैं अगर इस मिट्टी पर पानी डालूं तो ये मिट्टी पूरा पानी सोक कर ले रही है. तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो मिट्टी का लेयर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है
पानी को सोख करने में और पानी को अपने अंदर धारण करने में। तो जो पेड़ होते हैं वो हेल्प करते हैं कि जो बारिश का पानी है उसको जमीन के नीचे होल्ड करने में। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल डिपेंड्स अपॉन अ प्लांट। अब जब रॉकी एरिया ऐसा एक्सपोज हो गया है, ये पानी को सोख नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, पानी उस एरिया में जमने लगेगा, यहां से भी बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। अब जब सॉइल लूज हो गया है तो जो दो इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन आते हैं इससे रिलेटेड, वो है सॉइल इरोजन। जिसको हम कहते हैं मिट्टी का कटाव या फिर लैंडस्लाइड्स। जिसको हम हिंदी में भूस्खलन बोलते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है कि आपने देखा ही होगा कि जैसे वेस्ट बंगाल में कुछ एरिया ऐसा है जो गंगा नदी के पास का जो सॉइल पोर्शन है वहां पर पेड़ ना होने के कारण क्या हो रहा है कि मिट्टी पानी के साथ बह बह कर जो लैंड एरिया है वो श्रिंक होते जा रहा है। तो वैसे एरिया में जिनका घर है, जब बहुत बाढ़ आती है या बहुत बारिश होती है तो मिट्टी पानी के साथ बहकर चली जाती है और उन मिट्टी पर बने जो घर है वो भी उनके साथ बहकर चले जाते हैं। लैंडस्लाइड्स यूजुअली हमको हिली एरिया में दिखने को मिलता है। वहां पर क्या होता है कि जो पहाड़ होते हैं वहां से बड़े बड़े पत्थर या मिट्टी के ढेर ढहकर रास्ते में आ जाते हैं और रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। तो जो सॉइल इरोजन और लैंडस्लाइड है ये किस लिए हो रहे हैं, पेड़ों की संख्या कम हो जाने के कारण। क्योंकि पेड़ जो मिट्टी को पकड़ कर रखने में हेल्प करता है, तो अगर पेड़ ना रहेंगे तो मिट्टी लूज बन जाएगी और इनके कारण ये दोनों होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारा फिफ्थ इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन वाटर साइकिल से रिलेटेड है, तो आइए देखते हैं। पेड़ों की संख्या कम होने के कारण वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए जो पेड़ के पत्ते होते हैं, पत्ते का जो निचला हिस्सा होता है वहां पर कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमाटा कहते हैं। इंसान को जैसे गर्मी लगने से पसीना आता है, सिमिलरली पेड़ों में अगर पानी एक्सेस हो जाए तो वो उन पोर्स से थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एक्सेस वाटर निकाल देते हैं और ये जो पानी है ये वेपर्स बनकर बादल तैयार करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन और बादल से बारिश होती है। अब जो बारिश होती है वो बारिश का पानी वाटर सोर्सेस में जाकर एड होता है, फिर वहां से जैसे रिवर हो, लेक हो, वहां का पानी फिर वेपोराइज होकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन बादल तैयार करते हैं और फिर बादल से बारिश होती है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस चलता ही रहता है जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। तो अगर पेड़ों की संख्या कम होती रही तो वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और वाटर साइकिल डिस्टर्ब होने के कारण किसी किसी एरिया में बहुत बरसात होती है और किसी किसी एरिया में बिल्कुल ही बारिश नहीं होती। जहां पर बहुत बरसात होती है वहां पर बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जहां पर बिल्कुल बरसात नहीं होती है वहां पर जो कंडीशन पैदा होती है उसको हम कहते हैं ड्रॉट, यानी कि सूखा। ऐसे कंडीशंस हमारे इंडिया में महाराष्ट्र में देखने को पाए जाते हैं जहां पर मिट्टी कुछ ऐसी दिखती है। देखिए, अगर आप इस मिट्टी की तरफ नजर दौड़ाए तो आपको दिखेगा कि यहाँ की मिट्टी सूखी दिख रही है और मिट्टी में बहुत सारे क्रैक्स हैं। अब ये जमीन एकदम बंजर बन चुकी है क्योंकि यहाँ पर कोई पेड़ पौधे उग नहीं रहे हैं। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जमीन धीरे धीरे एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। हमारा लास्ट इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। हम जानते हैं कि हम पेड़ों पर डिपेंडेंट किन किन कारणों के लिए हैं। पहला तो है फूड और दूसरा है ऑक्सीजन।
सिमिलरली जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं या जो पेड़ पौधे होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, वही उनका हैबिटेट है. तो अगर हम वहां के ट्रीज को काट डाले तो देयर विल बी लॉस ऑफ हैबिटेट विच विल लीड्स टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज. और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो फूड चेन है वो स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर्स के साथ. प्रोड्यूसर्स किसको कहते हैं? प्लांट्स को कहते हैं, क्योंकि वो खुद अपना खाना तैयार कर सकते हैं. और इन प्रोड्यूसर्स पे जो डिपेंडेंट होते हैं वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स. तो अगर पृथ्वी पर पेड़ पौधे ना रहे तो जो फूड चेन का जो लिंक है जिनके साथ, वो सारे अफेक्टेड होंगे. तो आपको आज के डिस्कशन से पता ही चला होगा कि अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारी पृथ्वी एक दिन ऐसा समय आएगा कि लाइफलेस प्लैनेट की तरह बनकर रह जाएगा. तो हमें अपने पृथ्वी को बचाने के लिए कुछ उपाय सोचने पड़ेंगे. तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं उपाय के बारे में डिस्कस करूंगी. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें. और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियो अपडेट्स मिलते रहे. तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे वेल. थैंक यू.